दाना पानी आगे ले दाना पानी में अपना बचपन बहुत गुजरा है दाना पानी के बीचेस पे। चाय 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 आगे लो 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 बीच के बीचों बीच खड़े रह के हम लोग चाय मार रहे ले क्या बात है चाय ला चलो भाई पीछे का अरे रिवर्स कर लग गया वेलकम टू द बॉम्बे जर्नी शारिफ भाई क्या हाल है जबरदस्त मेरे भाई थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो मजा आ रहा है तो किधर मड आइलैंड का ट्रिप मार के आए हाँ चलो मड आइलैंड सब पब्लिक शूटिंग करती रहती है मैं आपको बताऊंगा मैं कहां मैंने अपना पूरा बचपन निकाला है एक नंबर मेरा घर ही बता हाँ एक नंबर क्या बात है एक नंबर है एकदम एक नंबर है बच्ची जहाँ मैं रहता हूँ वहीं उसका नाम भी एक नंबर अरे ये हमारे जजे जीसस हैं मालवनी वाले तो ये हम मालवनी नंबर एक रूम नंबर सिक्स अभी वहाँ पे दुकान बनी हुई है क्या बात कर रहे हैं मेरा पहले घर था देखेंगे जाते हैं देखते हैं दिखाता हूँ आपको तो भाई आप यहाँ मुंबई के ही हो फुल ऑन पैदा पला बड़ा पढ़ाई लिखाई कमाई लुगाई सब बंबई का सब बंबई ये बात बढ़िया लगी मेरे को कमाई दमाई लुगाई सब इधर की सब इधर की तो मलाड में किधर पढ़े आप मलाड में एक सेंट जॉन्स एक स्कूल है वो भी यहीं पर एक नंबर में ही थी हाँ जी मतलब अपने मतलब हमारे एरिया की एकदम टॉप मोस्ट थी नीचे से स्कूल वो नीचे से सही है तो कैसे थे आप पढ़ाई वढ़ाई में मैं बहुत ही एवरेज सा यहाँ से लेफ्ट लेना हाँ जी एवरेज सा स्टूडेंट था और लेकिन लोग कहते थे कि मैं अगर पढ़ाई में ध्यान देता तो मतलब मैं अच्छा करता था क्योंकि मेहनती था मतलब दिमाग था शायद लेकिन मेहनती बिल्कुल नहीं था क्या बात कर रहे हो लेजी था मैं बहुत और मैं बहुत शाय था स्कूल में मतलब 8th स्टैंडर्ड तक तो यहाँ से यू टर्न ले लो 8th स्टैंडर्ड तक तो मेरे जो अगल बगल में जो लोग बैठते थे वो मेरे दोस्त थे बस और मैं किसी को नहीं जानता था तो अब हम आए हैं मालवनी एक नंबर हाँ एक नंबर चौक बोलते हैं इसको मालवनी एक नंबर लिटिल हट योगिता मालूम है सबको अपने अपने पूरे भाई लोग कजिन वगिन देख रहे हैं ना उन लोग को सब योगिता सस्ता चिनेस याद है ये पब्लिक आपको पहचान के हेलो हाय कर दो नहीं नहीं कोई नहीं पहचान आपने मैं अपने एरिया में मेरे को कोई नहीं भजनता बताओ किधर कौन सा आगे बताओ अच्छा ये शॉप नंबर 17 6 जो था ये मेरा घर था जो इधर डिलीवरी हो गया कुछ हाँ क्या बन गया अभी स्पाइस कॉर्नर बन गया माँ कसम स्पाइस कॉर्नर ये स्पाइस कॉर्नर में पहले मैं मेरा पूरा बचपन जवानी गुजरी है शादी के बाद मैं यहाँ से शिफ्ट हुआ ये बाकड़े में ये घर था मतलब ये तो बाकड़ा तो अभी दिख रहा है अच्छा मतलब ऊपर माले दो कमरे थे नीचे दो कमरे थे क्या बात है और मतलब तो कौन कौन रहता था इधर हमारा पूरा परिवार था और यहाँ पे पहले ये जो इतनी दुकानें आ गई हैं कुछ नहीं था बहुत जगह थी ओपन स्पेस था एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था जिसके नीचे बैठ के हम गप्पे मारा करते थे और क्रिकेट खेलने की जगह थी मतलब अंडर आर्म क्रिकेट खेला करते थे यहाँ पे ये रोड क्रॉस करते ही लोग पॉश हो जाते थे क्योंकि सब बिल्डिंग में रहते थे और रोड इधर करते ही हम लोग चौल में रहते थे हाँ। तो वो ये चाली वाली पब्लिक थी ये बिल्डिंग वाली पब्लिक क्या बोलती पब्लिक कैसे भाई लोग सब नहीं बताओ रे ये सब तो ये तो आप बम्बई में आप देखेंगे ही ना हाँ हाँ ये वाला जीवन तो आप किधर भी ले लो आपको इस तरफ हाँ। ऐसा और इस तरफ ऐसा मिलता ही है जब हम छोटे थे हाँ जी तो मलाड पूरा वीरान था करेक्ट इतनी भीड़ जो अभी दिख रही है बिल्कुल नहीं थी अच्छा मौसम हुआ करता था 80s का जो बॉम्बे था वो इतना प्यारा था खूबसूरत था सही बात है फिर धीरे धीरे मतलब मलाड हैपनिंग हो गया भाई बढ़ती गई मलाड जैसी जैसी कोई चीज हैपनिंग होती ना उसकी लगनी शुरू हो जाती है सही बात है तो ये मैं रियलाइज कर रहा हूँ ये जो तलपड़े है हाँ। वो आपके साथ भी बहुत मेल खाता है क्या जो कैरेक्टर आपका फैमिली मैन का कैरेक्टर मतलब मेल खाता है मतलब मैंने उसको थोड़ा थोड़ा अपना बनाया और मैं एक्चुअली वो कैरेक्टर जो था पहले वो बंगाली होना था क्या बात कर रहे हो हाँ तो लेकिन जब राजन डीके ने मेरा ऑडिशन देखा तो उन्होंने कहा कि यार वी डोंट वांट यू टू प्ले बंगाली एंड यू डोंट लुक लाइक अ बंगाली और वी डोंट वांट यू टू पुट ऑन अ फेक एक्सेंट
तो उन्होंने बोला कि तुम किस रीजन में मतलब अपने आप को बेस कर सकते हो, कहाँ पे आप मतलब किसका वो डायलेक्ट पकड़ सकते हो। तो उन्होंने बोला मैं बॉम्बे में पैदा पला बड़ा हूँ, और नेचुरली मुंबई आऊँ, कम्प्लीटली मराठी बोल लेता हूँ। करेक्ट। तो फिर घोष जो है वो तड़पदे बन गया। क्या बात है, क्या बात है, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है कि मतलब है, वो है मेरा प्रोड्यूसर और मेरी रिसर्च टीम में बोल रही थी कि ये फैमिली मैन के हाथ तो फट गए। तो मतलब अभी ऐसा जो इंटरनेट वाली भाषा में फट गए वाला मजा कैसा आता है। अच्छा लग रहा है यार, मतलब है मुझे बहुत इसी चीज का इंतजार था मुझको कि कब फटूंगा मैं। अभी फट रहे, मजा आ रहा है, फट रहे हूं, मतलब मुझे और फटना है। हाँ। मतलब अभी ये दिल मांगे मोर। करेक्ट। लेकिन मतलब मैं इससे पहले भी लेकिन खुश था क्योंकि मैं काम कर रहा था, भले वो बाहर जनता तक नहीं पहुंच रहा था, क्योंकि इंडिपेंडेंट फिल्में जनता तक पहुंचने में बहुत वक्त लगता है और जो पहुंचती भी है तो उनकी कोई रीच उतनी होती नहीं है। तो जो मैं लेकिन मैं काम कर रहा था और जो मैंने अपनी नौकरी छोड़ के ये फैसला लिया था कि मैं एक्टिंग को अपनी रोजी रोटी बनाऊंगा, वो मैंने बना लिया था। मीम्स वगैरह देखते हो तो कैसा लगता? बहुत मजा आता है यार, एकदम सुकून मिलता है मीम्स जब देखता हूँ तो। हाँ। मतलब अपने मीम्स देख के बड़ा मजा आता है कि अरे यार। और मेरा एक डायलॉग फिल्मिस्तान का, हाँ जी भाईजान कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी वो इतना मीम्स में इस्तेमाल हुआ है। करेक्ट। कि मतलब बहुत मजा आ जाता है। नहीं, आपके कैरेक्टर्स को देख के मैं जेन्युइनली मैं आपको बोला फैन हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये मैं बोल रहा हूँ, मतलब ये मैं इधर होता तो मैं यही बोलता है। अगर मेरा दोस्त बोलता है यार चल अभी बॉस बुला रहा है तो मैं वड़ा पाव को छोड़ू यार, मतलब साला दिस इज द ओनली मील आई एम हैविंग इन द डे, तू मेरे को बोल रहा है मैं वड़ा पाव छोड़ू और भागू। थैंक्स थैंक्स मेरे भाई। तो भाई ये बताओ कि एक्शन वगैरह भी आपको बहुत करना पड़ा फैमिली मैन में स्पेशली, तो जब आपको एक एक कैरेक्टर के साथ आती हुई ऐसी सब नुआंस चीजें मिलती हैं तो क्या एक्सपीरियंस रहता है? एक्शन करने में मुझे बहुत मजा आता है जब भी, मतलब वैसे अभी तक ऐसा एकदम एक्सटेंसिव एक्शन एक्शन नहीं किया है, थोड़ा भागना थोड़ा कूदना या गोली लग गई, हाँ। वैसी सारी चीजें हुई हैं, लेकिन उसका भी एक अलग थ्रिल होता है। करेक्ट। लेकिन मैं जबकि वो बहुत सिंपल सी चीज थी जिसमें मैं मतलब मुझे गोली लगती है और मैं वो दीवार फांद रहा होता हूँ और उस तरफ गिर जाता हूँ, तो उस तरफ तो गिरना था वो तो मैं नजर भी नहीं आने वाला था, तो वहां पर गद्दे वद्दे बिछे हुए थे सब, सारी सिक्योरिटी और वो सारे प्रिकॉशंस लिए गए थे। लेकिन जो मैं गिरा ना, और रिहर्सल के टाइम पे सही गिरा मैं, लेकिन टेक में आप अलग वो उसमें रहते हो, जोश में रहते हो, एक अलग एनर्जी होती है और एक उस वक्त आप एकदम फुल इमोशन में परफॉर्म कर रहे होते हो और एकदम उस वक्त कैरेक्टर में रहते हो, तो तब मैं जब गिरा ना तो मैं सीधा छाती के बल पे गिरा टेढ़ा मेढ़ा होके एकदम, और वो मतलब जो सीधा हिट हुआ ना इम्पैक्ट, वो महीनों तक वो दर्द मुझे मतलब सीने में रहा। अरे वाह। और तो इसके लिए काफी मतलब ना ध्यान रखना चाहिए एक्शन सीन्स करते वक्त, क्योंकि एक हल्की छोटी मोटी चीज से भी ना लॉन्गर इम्पैक्ट हो जाता है, लॉन्गर इम्पैक्ट हो जाता है। स्कैम जब आया था उसके एक महीने बाद ही मैं गोवा गया था कुछ शूट करने के, और उसके पहले तक मुझे लोग मिलते थे तो वो जेके बुलाते थे क्योंकि सीजन वन आ चुका था। लेकिन मैं जब गोवा में बीच पर था तो कुछ लोगों ने मुझे बेल्लारी है बेल्लारी बोला, रे बेल्लारी भी पब्लिक बुला रही है एक सीन करने के बाद। नहीं भाई, इम्पैक्टफुल काम करने का अपना ही मजा होता है। इम्पैक्टफुल से याद आया, मलाड स्टेशन की हम बात कर रहे थे, तो मलाड स्टेशन से क्या याद है? MM की लस्सी, ये है सबसे वड़ा पाव, MM का वड़ा पाव जो मिलता है, और उसके वड़ा पाव खाने के बाद में जब आप MM की लस्सी पीते हैं और जो वहां पे 24 घंटे एक लूप पे चलता है, लूप लपेटा। याद है क्या आपको? याद है, अरे पूरा याद है भाई, रट्टा मारे ला है। सुनाओ ना भाई। MM की लस्सी, टेस्ट द ठंडा लस्सी, शीतल है, मधुर है, स्वाद से भरी है, इसका जायका सबसे निराला, ये लस्सी है सबसे आला। MM की वो जा रही है देखो। अरे बाप रे। बिना पानी की गाढ़ी मलाईदार लस्सी, MM की लस्सी, टेस्ट द ठंडा लस्सी। ये देखिए, ये भाई साहब दिखा नहीं था मेरे को, टाइम है भाई, क्या टाइम है हमारा साहब। MM के पीछे MM दिख गया भाई, MM दिख गया। तो यार आई थिंक यही है भैया, हम बिना किसी पैसे लिए ये कर दिया भाई, अपने को मतलब ऐसे ही हो गया है। देखो भाई, MM के बचपन, MM के साथ में बचपन का रिश्ता है, मेमोरीज है, नॉस्टैल्जिया जुड़ा हुआ है। देखो भाई, इनके भी बच्चों को लाइफ लॉन्ग प्रमोशन नहीं है, लाइफ लॉन्ग फ्री लस्सी, पानी पूरी और वड़ा पाव मिलना चाहिए कायदे से।
इंटरनेशनल पब्लिक तक पहुंचा दी एमएम की लस्सी योगिता का चिनेस योगिता का चिनेस राधा कृष्णा का राधा कृष्णा यहाँ पे हमने बहुत चाय घसीटी है। हाँ भाई, और राधा कृष्णा के डोसा मसाला डोसा बहुत खाया है, मसाला डोसा इडली वड़ा सांबर सांबर डाल के इडली और मेंदू वड़ा सांबर उसमें आता है वो उसी में आता है। वो बहुत ही राधा कृष्णा का बहुत अच्छा मिल बहुत अच्छा इडली और मेंदू वड़ा मिलता है। करेक्ट। तो ये बताओ कि फिर आपने जॉब की बात की, ये तो मेरे को पता ही नहीं था, मेरे को लगा पापा फिल्म जर्नो थे तो आपका सिनेमा में आने का ही शौक रहा हमेशा। बचपन से ही था वो तो। हाँ। मतलब जहाँ पे मैंने आपको दिखाया रूम नंबर 6 मालवनी नंबर 1 वहाँ पर लोग वहाँ पर काफी मतलब बड़े बड़े स्टार्स आया करते थे मेरे डैड से मिलने इंटरव्यू के लिए। और मतलब माय डैड वाज अ वेल नोन एंड वेल रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट, मायापुरी में लिखा करते थे वो। करेक्ट। और मतलब तो भीड़ इकट्ठा हो जाती थी वहां पर एकदम। मिस्टर जौहर। हाँ, जेड ए जौहर यस। तो मतलब बहुत मैं उस वजह से एकदम उन चीजों से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया था, मुतासर हो गया था कि यार ये कितनी मतलब मस्त दुनिया है। मैं फिल्म पार्टीज में उनके साथ जाता था, प्रीव्यूज प्रीमियर्स में, जो आज जो होता है वो कुछ नहीं होता है अभी तो। मतलब स्क्रीनिंग्स होती हैं, प्रीमियर्स नहीं होते अभी। मुहूर्त जो है वो उस जमाने में होता था, बड़े 5-star होटल में, मतलब बड़े लैविश तरीके से मुहूर्त होता था। एक दूसरा बड़ा स्टार जो है वो सिर्फ क्लैप देने आता था। करेक्ट। और एक सीन इनैक्ट किया जाता था फिल्म का। मतलब वो शोबिज का जो शोबिज है वो मैंने देखा है बचपन में। तो मुझे बड़ी इच्छा थी कि यार मैं भी मतलब बड़ा होऊंगा तो हीरो बनूंगा। क्या बात है, सही है। हाँ, लेकिन वो जब मैं बड़ा हुआ तो आपने देखा मैं इतना बड़ा हुआ नहीं। तो उस वजह से मैंने फिर वो एक्टिंग दिमाग से निकाल दिया। और फिर I started as an assistant director. बट आप जॉब कर रहे थे as an AD only you started. As an AD, फिर as a writer काम करना शुरू किया, पहले फ्रीलांस किया, MTV वगैरह के लिए भी। MTV में मैं 4 साल as a writer मैंने काम किया, वो और वो मेरी जिंदगी के बहुत कमाल के 4 साल थे ये। तब MTV गोल्ड पीरियड भी है ना। मतलब उस वक्त बकरा जो हम लोगों ने किए बहुत सारे, और वहां पर एक्चुअली जब मैं MTV में काम कर रहा था तो धीरे धीरे वो एक्टिंग फिर से अंदर मतलब ना उमड़ने लगे, क्योंकि जो मैं लिखता था उसमें वो लोग मुझे भी कुछ ना कुछ करने को बोलते थे, कि क्योंकि हम मैं मोस्टली फनी और स्पूफी चीजें लिखा करता था, तो उसमें बोलते थे कि यार ये कैरेक्टर तू कर ले, ये कैरेक्टर तू कर ले। तो वो इस तरीके से धीरे धीरे मतलब ना मुझे भी मतलब, और जिस दिन मैं एक्टिंग कर रहा होता था उस दिन मैं बहुत खुश रहता था। तो वो चीज मुझे धीरे धीरे रियलाइज होने लगी कि यार ये जब मैं एक्टिंग कर रहा हूँ तो मैं इतना ज्यादा खुश हूँ तो ये क्यों नहीं करूँ। सही बात है, सही बात। लेकिन तब मैंने कभी लेकिन फिर भी वो नहीं सोचा कि यार मुझे ना एक्टिंग छोड़ के मतलब राइटिंग छोड़ के पूरी तरह से एक्टिंग करूँ, क्योंकि शादी हो चुकी थी, बच्चा भी हो चुका था। तो मैं आई वॉज इन अ कंफर्टेबल स्पेस, अच्छी नौकरी थी, अच्छी पगार थी। और अब कहाँ मतलब इस उम्र में मैं वापस से शुरू करूंगा, 32 का हो गया हूँ, 33 का होने वाला था। तो 2008 से लेके 3 साल तक मैं ऑडिशंस देता रहा, कुछ नहीं हुआ। मैंने मतलब बहुत ऑडिशंस दिए, सैकड़ों ऑडिशंस दिए मतलब। लेकिन ऐसा नंबर रहता है क्या, मतलब 500,000 टाइप्स? पता नहीं कितने दिए होंगे यार, बहुत सारे दिए, मतलब कम से कम 500 तो दिए ही दिए थे। क्या बात है, या शायद ज्यादा। लेकिन तो क्या सुनने मिलता था ऑडिशन वगैरह में, मतलब ऑडिशन में, मतलब एक्चुअली ऑडिशन में सुनने को ऐसा नहीं, उस वक्त कभी ये नहीं होता था कि अरे यार ये क्या कर रहे हो। और ऑडिशंस में मैं हमेशा शॉर्टलिस्ट होता था। अरे वाह। लेकिन कभी फाइनल उस पे नहीं, सिलेक्शन नहीं होता था मेरा। मतलब इनफैक्ट एक बार मैंने ऑडिशन दिया था एक एड के लिए, जो एक एंटीवायरस का एड था, जो उस वक्त जो लोग खड़े थे उन लोगों ने मेरे लिए क्लैप किया था। क्या बात है। तो जो कास्टिंग डायरेक्टर थी अवनी, उन्होंने बोला था कि अरे ये ऐसा पहली बार हुआ है कि जो लोग आए हैं उसी रोल के लिए, हाँ, वो लोग तुम्हारे लिए ताली बजा रहे हैं। क्या बात है। लेकिन मैं उसमें भी सिलेक्ट नहीं हुआ। और मेरे हिसाब मुझे आई एंजॉयड ऑडिशनिंग, क्योंकि मुझे मतलब लगता था कि ऑडिशन जो लगता, अभी भी लगता है कि ऑडिशन जो है वो एक एक्टर का रियाज होता है। सही बात। क्योंकि आप जब काम नहीं कर रहे हो और सिर्फ ऑडिशन दे रहे हो तो आप उसी उस ऑडिशंस में भी आप अलग अलग किरदार आपको निभाने का मौका मिल रहा है। हाँ। तो मैं ये सोच के जाता था जब मैं ऑडिशन पे जा रहा हूँ कि मैं शूट पे जा रहा हूँ, मैं एक रोल प्ले करने जा रहा हूँ और एक किरदार नया निभाने को मिल रहा है। हाँ जी। तो मैं वो सोच के ऑडिशन देता था। तो ये फिल्मिस्तान फिर कैसे होती है? तो 3 साल तक ऑडिशंस तो चले लेकिन काम कुछ नहीं मिला। एक ऐड किया एक शॉर्ट फिल्म की और कुछ नहीं हुआ और पैसे खत्म हो गए। इनफैक्ट कर्जों में डूब गया था मैं।
तो मुझे दोबारा नौकरी करनी पड़ी क्योंकि घर तो मतलब घर की जिम्मेदारियां भी थी। तो मैंने एक यूटीवी बिंदास एक चैनल था वहां पर मैंने वापस ज्वाइन किया और वहां पर मैं एज एवीपी प्रोग्रामिंग था। क्या बात है। और वहां 3 या 4 महीने हुए थे मुझे। हाँ। ये मुझे शानू शर्मा जी का फोन आया जो वायरएफ में कास्टिंग करती हैं, दिग्गज कास्टिंग बड़ी कास्टिंग डायरेक्टर हैं जिनको मैं 3 साल कॉन्टेक्ट करने के लिए ही मुझे 3 साल लग गया पर मैं उनको उनसे मतलब कभी फोन पर बात तक नहीं हो पाई, हेलो तक नहीं बोल पाया। हाँ। और उस दिन सडनली मुझे डायरेक्ट उनका फोन आता है कि हाय आई एम शानू शर्मा हियर। तो मैं तो मतलब मेरे उस वक्त एकदम सकपका गया था मैं पूरी तरह से कि ये क्या हो रही है। सही बात। तो उन्होंने जो 3 साल में मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी मेहरूनी, वो उन्होंने यूट्यूब पर देखी। मैंने देखी ये फिल्म। हाँ, तो वो उन्होंने देखी और उसे बहुत पसंद किया गया था जब वो आई थी। हाँ जी। तो वो अभी भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। यस। तो उन्होंने मुझे जब तक है जान के ऑडिशन के लिए बुलाया। ओ यस। और वो देखकर और फिर मैंने ऑडिशन दिया और मैं सेलेक्ट हो गया। और उसी दौरान फिल्मिस्तान मैं अपने एक फ्रेंड के साथ मैंने लिख रहा था, नितिन कक्कर। हाँ। जिन्होंने फिल्म डायरेक्ट की है। यस। और उन्हीं की स्टोरी है, उन्हीं का स्क्रीन प्ले, उन्होंने मतलब पूरा वो मतलब उन्हीं की बदौलत फिल्मिस्तान हुई, उन्हीं का विजन है। और मैंने उस विजन को मतलब सपोर्ट किया, हेल्प किया और एक तरीके से मैं उनका बाउंस बोर्ड था। जब मैं मतलब नौकरी कर रहा था बिंदास में तो ऑफिस के बाद में मैं उनके घर जाता था और जब जो भी उन्होंने लिखा होता था वो मुझे बताते थे और फिर हम साथ में बैठ के डिस्कस करते थे और लिखते थे। और तो मैंने उसके डायलॉग्स भी लिखे हैं। करेक्ट। फिल्मिस्तान के। और इस तरीके से हम उस फिल्म को बना रहे थे और नितिन ने मुझे ऑडिशन देने के लिए कहा मेन लीड के लिए। तो मैं एकदम वो हो गया खुश और मैंने फिर ऑडिशन दिया और उसमें भी सिलेक्ट हो गया। वाह। तो सडनली मतलब मैंने अभी नौकरी ज्वाइन की 3 महीने हुए और मुझे जब तक ये जान मिल गई, फिल्मिस्तान मिल गई। तो जैसे कि मतलब वो होता है ना कि आप थक हार के 3 साल से मैं मतलब जद्दोजहद कर रहा था और मतलब बुरी तरह से मतलब मैं टूट गया था एकदम और मैं थक हार के बैठ गया और जिस तितली की तलाश में मैं 3 साल में भागता रहा और जब मैंने मतलब अपनी हिम्मत हार के जब मैं बैठा तो वो खुद तितली जो है उड़ के मेरे कंधे पे आके बैठ गई। ब्यूटीफुल वे ऑफ पुटिंग इट। यस। दाना पानी अगले बार। दाना पानी में अपना बचपन बहुत गुजरा है दाना पानी के बीचेस पे। बचपन भी, जवानी भी, दोस्त लोग मिलके यहाँ पर बहुत धमाल मस्ती मचाई है हम लोगों ने। तभी इतना पॉपुलर अभी क्या मतलब वेल नोन हो गया ये। मैं ऐसे हिडन जेम के नाम पे इस पे आर्टिकल करने वाला था 12 साल पहले। 12 साल पहले अपन तो बचपन से देखते आ रहे हैं और उस वक्त तो ज्यादा शांति होती थी, कम पब्लिक होती थी यार। वो पहले का मलाड अलग ही था यार। करेक्ट। ये देखो अभी घुसते ही साला इतनी जमा हो गई। ये टाइम पे ये सब बंक करके आई है ना पब्लिक। अभी स्कूल कॉलेज खुल गए तो स्लमडॉग मेरे लिए बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था और बहुत मेमोरेबल एक्सपीरियंस था क्योंकि मेरा ऑडिशन जो है वो डैनी बॉयल सर ने खुद लिया था। क्या बात है। जबकि वो एक पेज का सीन है। हाँ जी, हाँ जी। उसका ऑडिशन उन्होंने खुद लिया और मुझे वो दूसरे कैरेक्टर के क्यूज दे रहे थे। अरे वाह। और उसमें मैंने एक लाइन इम्प्रोवाइज की और तो उन्होंने उसका मीनिंग पूछा तो और मैंने जब बताया तो मतलब वो ही बर्स्ट आउट लाफिंग। क्या बात है। और जब मैं शूट पर गया हाँ तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो जो मैंने लाइन वो की थी ऑडिशन के टाइम पे वो उसमें ऐड की गई थी। अरे वाह यार। तो जब मैं उनसे मिला डैनी सर से तो उन्होंने मुझको पूछा कि शारिफ डिड यू गो थ्रू द स्क्रिप्ट। हां। उन्होंने बोला यस सर। तो बोले वी हैव इनकॉर्पोरेटेड योर लाइन, यू आर इवन पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट नाउ। मैंने बोला वाह प्रे दी डैनी बॉयल इस तरीके से मतलब बोल रहा है, ऐसे एक्नॉलेज कर रहा है। मैंने ऐसा कोई अलग काम नहीं किया था। ये अगर कुछ इम्प्रोवाइज करते हैं तो हर एक्टर करता है। करेक्ट। कोई मैंने अपने आउट ऑफ द सिलेबस जाके कुछ पढ़ाई नहीं की थी और लेकिन उसको इतनी प्यार से और इतनी खूबसूरती से और इतनी इज्जत दे के मतलब मुझे डैनी सर दी डैनी बॉयल ने बोला मतलब मैं बोला यार जीत गए यार, ये क्या है यार, इतना प्यारा आदमी कैसे हो सकता है, इतना बड़ा इंसान। सही बात है। और इतना प्यारा इंसान मतलब मैं मतलब क्या, कभी ये नहीं लाइन याद है आपको कौन सी लाइन थी? वो लेंडी मेरी बॉर्डर पे भाई। वो ये लाइन थी। और ये सीन बहुत आइकॉनिक है भाई। नहीं आना मेरे को बाहर, मतलब तुम क्यों बुला रहे मेरे को? लेंडी मेरी बॉर्डर पे है, टाइम पास बंद कर, लेंडी मेरी बॉर्डर पे है, ये वो लाइन थी। क्या बात है। तो एक चाय मार सकते हैं इधर। हाँ, चाय मारते हैं और कुछ खाते भी। वैसे आंटी ऑमलेट पाव भी बहुत अच्छा बनाती है। आइए भाई। यस। दाना पानी की यादें जरा ताजा करें। यही करना चाहते हैं। हाँ।
ये बताओ दाना पानी कब आते थे, कैसे कैसे क्या क्या करते थे? दाना पानी में मैं बचपन में हम बहुत फैमिली के साथ में आया करते थे जब छोटा था, और हमारे जब रिश्तेदार बाहर से आया करते थे दिल्ली से, तो उन सबको मतलब दरिया दिखाने जो उनको दरिया देखने का बहुत शौक होता था। इसके साथ में बहुत अभी मुझे ऐसा याद आ रहा है यार कि मैं यहाँ पे भाग रहा हूँ बचपन, मेरे पास एक तस्वीर थी मेरे कजिन्स के साथ बचपन की, अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही देखा था वो कि हम लोग भाग रहे हैं इधर ही हाँ दाना पानी। ये अक्सा बीच जैसे फेमस है क्योंकि उस पर गाने वाने बन गए, दाना पानी बेचारा उसका छोटा भाई लेकिन दाना पानी ज्यादा प्यारा है दिल के करीब। मैं इसलिए देखो अपने आप इधर ले आया, मस्त बेस्ट है ना। इधर से जट्टी वट्टी की कोई कहानी? जट्टी तो जब स्ट्रगल शुरू हुआ तब जट्टी दुनिया में आई अपनी दुनिया में। हाँ आराम नगर। हाँ अगर कभी मतलब जल्दी पहुंचना है ट्रैफिक से बचने के लिए तो इधर से मारो और सीधा उधर जट्टी पकड़ो और पहुंच जाओ। क्या बात, चाय 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 भाई आ गए, लो। ये चाय पता है मैंने कॉलेज में जब मैं पहुंचा, वो भी खासकर भवंस कॉलेज में जब मैं डिग्री में आया तब से मैंने चाय पीनी शुरू की। भवंस कॉलेज के कैंटीन में बैठा जब मैं दोस्तों के साथ और वहाँ पे जब लोगों ने चाय मंगाना शुरू किया, उसके पहले मैंने कभी चाय नहीं पी थी। क्या बात कर रहे हो, मुझे चाय पसंद ही नहीं थी। मतलब मैं सुबह को मतलब मैं दूध पिया करता था। अभी फैन हो गए? हाँ मतलब मस्त चाय का तो असली मजा हल्का हल्का सुस्की लेके ही है। बीच के बीचों बीच खड़े रह के हम लोग चाय मार रहे ले। क्या बात चाय ला तो भाई अभी आगे क्या क्या देखने वाले हैं हम आपके आगे? अभी कल ही आ रहा है सबसे मेरा पहला शो इस साल का। क्या बात, 2022 का द ग्रेट इंडियन मर्डर। अरे वाह, हॉट स्टार पे। और कल से यानी 4th February से अब आप लोग जब तक ये जाएगा तब तक आ चुका होगा ग्रेट इंडियन मर्डर, देख लेना भाई। हाँ द ग्रेट इंडियन मर्डर हॉट स्टार पे प्लीज देखिए मेरा, उसमें बहुत अलग और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है अशोक राजपूत। वाह, देख कर बताना भाई लोग कैसा लगा, दोस्तों मित्रों बगिनिन्नो तो चाय पी के जो आनंद आता है उसका एक अलग ही मजा है, फ्रेश हो गया। चाय से आप, चाय की चुस्की आपको पूरा चुस्त कर देती है। सही बात, मस्त कर देती है। तो कटिंग चाय से बंबई पे आते हैं। हाँ मुंबई की कोई कहानियां? मुंबई की तो यार बहुत, मेरी जिंदगी ही मुंबई में मतलब पूरी गुजरी है। हाँ। तो ढेर सारी कहानियां हैं, अच्छी बुरी छोटी बड़ी। करेक्ट, सब कुछ मेरा बंबई से ही जुड़ा हुआ है। हाँ। अब एक 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 चीज मैं आपको बताता हूँ। मैं मतलब जब खुदा गवाह रिलीज होने वाली थी, मैं शायद तब शायद 10th grade में था और 10th standard में था तो उस वक्त मैं और मेरा दोस्त जावेद, हम दोनों उसके टिकट लेने के लिए हम लोग निकले गोरेगांव में। अनुपम थिएटर है, पहले था, अब शायद है या नहीं, मल्टीप्लेक्स हो गया ना अनुपम शायद। अच्छा, तो हम मलाड से निकले, हमने सोचा कि हम लोग पैदल जाएंगे चल के और हम लोग मलाड स्टेशन से पटरी से हमने वॉक करना शुरू किया क्योंकि पटरी से सीधा 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 आएगा तो एकदम सीधा रास्ता है। करेक्ट, तो ये सोच के पता नहीं अब वो हमारे बचपन में ये क्या दिमाग में आया कैसे, और लेकिन जब हमने चलना शुरू किया ट्रेन इधर से आ रही है उधर से आ रही है, वो मलाड से गोरेगांव का जो पूरा ट्रैवल था ना पटरी पे, हमारी ऐसी पटरी थी पटरी के ऊपर कि मैं क्या बताऊं। और उसके बाद कान पकड़ेगी कभी पटरी, भाई लोग कभी पटरी के पास जाने का नहीं, आने का नहीं, कभी पटरी क्रॉस करने का कभी नहीं बिल्कुल नहीं। बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, मत करो। तो वो हमने गलती से उस वक्त किया था, आप बिल्कुल कभी मत करिएगा ऐसा अपनी लाइफ में। तो मुंबई का खाना बताओ भाई, क्या क्या पसंद है, क्या आप खाते हो? और मुंबई में अपन को पाव भाजी बहुत पसंद है। वाह, एक जमाने में मैंने मतलब हमने सिर्फ पाव भाजी दबोचा है और शिव सागर और एक सपना करके हमारे मलाड SV रोड पे एक रेस्टोरेंट था सपना, तो वहाँ की पाव भाजी बहुत जबरदस्त थी जी। तो वो हम खाया करते थे और जब कुछ नॉन वेज और चाइनीज खाने का मन करता था तो अंकल्स किचन जो था मिट चौकी का सिग्नल, करेक्ट, तो वहाँ पे हमने बहुत खाया है अंकल्स किचन में चाइनीज। हमारी जिंदगी में मतलब जो चाइनीज का इंट्रोडक्शन हुआ वो अंकल्स किचन के जरिए हुआ। करेक्ट, अब अंकल्स किचन वहाँ है नहीं, उसको अभी भी अंकल्स किचन चौक से ही जाना जाता है, बोला जाता है कि अंकल्स किचन सिग्नल। बटर चिकन मेरा एकदम फेवरेट डिश है।
कहाँ का? मैं अगर हाँ कहाँ पे कहीं का भी अपने वो खाने से मतलब चिकन कहीं का ही मिले, खासकर घर का, क्योंकि जब मैं लंबे आउटडोर के बाद जब मैं घर पहुंचता हूँ हाँ जी तो मेरे को सबसे पहले मतलब बटर चिकन चाहिए। हाँ सही है सही है, घर का बना हुआ। तो मुंबई की भाषा क्या है आपकी पसंदीदा, क्या वर्ड्स, मतलब ऑफकोर्स आप इतनी देर से तो कर ही रहे हैं। हाँ, बात मुंबई की भाषा तो मुझे बहुत पसंद है यार, मुंबईया और मराठी। हाँ मुझे बहुत अच्छी लगती है मराठी भाषा, और मुझे उसके गाने बहुत अच्छे लगते हैं मराठी लैंग्वेज के। मराठी फिल्में इतनी प्यारी बनती हैं। करेक्ट, मराठी फूड इतना ज़बरदस्त है। सही बात है। और मराठी लोग बहुत प्यारे हैं, मतलब उन्हीं के साथ में बचपन से यस मैंने मतलब टाइम स्पेंड किया है। करेक्ट, तो मुझे तो मतलब मुंबई से बहुत लगाव है, मुंबई घर है। हाँ तो मुंबई की भाषा भी मतलब बहुत कोई ऐसे वर्ड प्यारी है। कोई वर्ड जो आपके बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो आप? वो एक तो चायला बहुत यूज करते हैं अपन, चमायला चायला चमायला। सही बात है, आई अभी वो बोल नहीं सकता इधर बट वैसे तो एक मराठी गाना मैं बचपन में भी बहुत गाया करता था, मनाच्या धुंदीत लहरीत येणा सखे ग साजणी येणा, ये गाना मुझे बहुत 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 पसंद है। अरे वाह यार, क्या बढ़िया गा रहे हो आप तो। हम ऐसे ही थोड़ा थोड़ा अरे क्या बात है। गाने से याद आया, चाय के बाद आपने मेरे को एक बात बताई कि आपने जो अपने बच्चों के साथ आप फिल्में देखते हो और ये जो पैंडा का रिलेशन है इसके बारे में जरा बता दो दर्शक। ये कुंग फू पैंडा मेरी बहुत बहुत ज्यादा फेवरेट फिल्म है, मतलब मैंने कम से कम 50-55 बार देखी होगी। तीनों पार्ट खासकर फर्स्ट पार्ट मैंने बहुत ज्यादा देखा है, और मुझे मतलब मेरे अंदर एक पैंडा है, मतलब मैं वो क्या बोलते हैं स्पिरिट एनिमल ना, स्पिरिट एनिमल, वो अपना पैंडा ही है। मेरे फोन के वॉलपेपर पे भी देखिए पैंडा इधर भी पैंडा, ये बात अंदर भी, मन से भी मैं पैंडा ही हूँ कुंग फू पैंडा खासकर। करेक्ट करेक्ट, तोड़फोड़ एकदम तांबा पीतल तो मनोज भाई के साथ काम करते हुए कैसा एक्सपीरियंस? मनोज सर के साथ काम करके तो यार जीवन सफल हो गया, मतलब एकदम मुझे इतना प्यारा इंसान, एक इतने प्यारे इंसान के साथ काम करने का मौका मिला। Correct. और इतनी मतलब शिद्दत से आज भी वो मतलब अपने काम को अंजाम देते हैं। हाँ. और इतना डिसिप्लिन है उनके अंदर हर चीज़ में, और वो इतने प्यारे इंसान हैं मतलब, और उन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी है, इतना प्यार दिया है और इतना एनकरेजमेंट दिया है हर कदम पे। क्या बात है? कि मतलब मैं I have no words to, you know, thank him. I don't want to thank him. एक खाली एक जपी देता हूँ मनोज सर आपको, और वो मतलब मेरे फ्रेंड हैं, फिलोसोफर गाइडो टाइप का वो सब जो बोले ना, ऑल इन वन बड़े भाई सब है मतलब वो मेरे लिए। और मैं आई होप कि मतलब हमारा आई कि मैं उनके साथ और ढेर सारा काम करूँ, अलग अलग किरदार निभाऊँ। मुझे फिर से वो कॉप वाला उनके साथ में नहीं करना है, अब कुछ और करना है जिसमें मतलब वो मुझे कूटे कुछ मैं नेगेटिव कुछ करूं उनके साथ, पता नहीं क्या करूं मतलब, लेकिन कुछ एक अलग इक्वेशन में हमारा अगर दोबारा मैं उनके साथ कुछ करूं तो एक कुछ एक अलग वो हो, एक कुछ अलग केमिस्ट्री हो, कुछ अलग इक्वेशन हो, कुछ अलग रिलेशन हो। तो मैं ये बोलने वाला था, सीजन 3 आ रहा है ना? सीजन 3 अभी लिखा जा रहा है, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन आएगा जरूर। क्या बात है, और कहां कहां दिखने वाले हो हमको? अभी द ग्रेट इंडियन मर्डर सबसे पहले आएगा मतलब हॉटस्टार पे, फिर उसके बाद कुछ फिल्में हैं, धाकड़, मिशन मजनू, शर्मा जी की बेटी, क्या बात है, विक्रम वेदा, वाओ, शिव शास्त्री बालबोवा, तो ये कुछ फिल्में हैं, और एक साइलेंट फिल्म है बहुत ही इंटरेस्टिंग। अरे वाह, तो इन सब चीजों का मतलब इन सब चीजों में आप मुझे 2022 में देख सकते हैं। वाह भाई, ये तो मतलब मैं गिनते छोड़ गया, बट 6-8 चीजें एक साल में आना एक एक्टर के लिए तो बहुत गजब की बात है भाई। अरे मजा आ जाएगा इंशाल्लाह, बस दुआ करिए, और आना गजब की बात नहीं है, उनको पसंद अगर पसंद उनका पसंद आना गजब की बात होगी मेरे लिए। हाँ जी, तो भाई ये बताओ, मुंबई की बातें करते करते मुंबई की बारिश की कहानी? मुंबई की बारिश तो यार मतलब क्या बताऊं, मेरे साथ में बहुत खतरनाक, जब 26 जुलाई की बाढ़ आई थी उस वक्त मैं MTV में काम करता था। ओके और मैंने उस दिन छुट्टी ली थी, पता नहीं क्यों, मैंने बोला था कि आई विल वर्क फ्रॉम होम। वाह, हाँ WFH था उस जमाने में। वाह भाई, बहुत बड़ी बात है भाई। तो मैंने बोला आज मैं ऑफिस नहीं आ रहा हूँ यार, आज मेरा मूड नहीं है। हाँ। पता नहीं क्या क्यों ऐसा हुआ था,
तो मैं WFH कर रहा था, मतलब सो रहा था दोपहर को खाना खा के 3-4 बजे की बात थी। अचानक मेरे ना सोते हुए पलंग से मतलब मेरा हाथ जो है ना ऐसे गया, हाँ पलंग से मतलब बाहर को निकला हाथ और उस पानी टच किया। ओके तो मैंने आंख, मेरी आंख खुली एकदम से पानी लगा, तो मेरी आंख खुली तो मैंने देखा पूरा घर पानी पानी हुआ पड़ा। मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता था उस वक्त, ओह शिट, जेमिनी अपार्टमेंट्स में। हाँ जी। और पूरा मतलब वॉशिंग मशीन तैरती भी जा रही है। मैं बोला कि मैं सपना देख रहा हूँ कि मतलब एक बार और मैंने मतलब ऐसे ऐसा किया। हाँ, हाँ। और फिर खड़ा हुआ तो पूरा पानी पानी, फ्रिज उल्टा पड़ा हुआ है। फक। और तो मैं सबसे पहले मैंने, क्योंकि उस वक्त मैं फिल्मों का मतलब वो डीवीडी प्लेयर मेरी मतलब एकदम प्राइज्ड पोजीशन थी। करेक्ट। तो मैंने सबसे पहले डीवीडी प्लेयर उठाया। हाँ। और वो थर्ड फ्लोर पे मतलब मैंने सामान छोड़ना ऊपर शुरू किया जो जो बचा सकता था। हाँ, टीवी, डीवीडी प्लेयर, कंप्यूटर, उस वक्त तो बड़ा कंप्यूटर था, वो लैपटॉप नहीं था तभी। बाहर निकला तो मतलब चारों तरफ पानी पानी और अंधेरा अजीब सा, एक मतलब वो डरावना सा अंधेरा था। और मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ तो एक जुँ जुँ करके सांप गुजरा। क्या बात तो कर रही हूँ, और फट गई इधर मलाड में हाँ, एक नंबर पे। अरे बाप रे, जनकल्याण, पूरा जनकल्याण, पानी पानी, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वाइफ ऑफिस में है और वो फोन, किसी का फोन नहीं लग रहा है, कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कैसे करें क्या करें यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपने घर पे गया, वहां पर भी सब मतलब परेशान। वो दिन जो था वो मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता। सही बात है। और मेरी वाइफ अंधेरी से चल के मलाड तक पहुंची और किस तरीके से डिवाइडर को पकड़ के फॉलो कर करके वो लोग आए, और मैं वहीं खड़ा था कि मतलब अभी वो शायद आए, क्योंकि कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। हाँ जी, हाँ जी। बट मैं वहीं खड़ा था कि अभी वो शायद आएगी आएगी आएगी, और दिन की केम काफी घंटों के बाद में। और तो हॉरिफिक कहानी हो गई। हाँ, बहुत ज्यादा मुझे एक चीज का अफसोस है कि मेरे पास बहुत सारी मैगजीन्स की कटिंग्स थी, 80s की, 90s की, बहुत सारा मतलब मैंने मतलब वो सब निकाल के रखा था, और पुराने पिक्चर्स, बचपन के फोटोग्राफ्स, वो सब गल गए पूरे पानी में, क्योंकि गंदा पानी सब। हाँ। पूरा गल गया है सब वो। तो भाई अब ये बताओ कि मुंबई के लोग और मुंबई की एनर्जी के बारे में आपका क्या है? मुंबई यार, मैंने बोला ना, मुंबई तो बहुत दिल के करीब है, मुंबई घर है। हाँ जी। और मुंबई के लोग, मुंबई की एनर्जी, उसकी एक वाइब ही अलग है यार। करेक्ट। दुनिया भर घूम के आ जाओ। हाँ जी। कहीं भी चले जाओ, बड़े से बड़े होटल में रुक जाओ, बड़े से बड़े शहर चले जाओ, मतलब खूबसूरत से खूबसूरत वादियां देख लो। हाँ। बीचेस चले जाओ, लेकिन जो सुकून मुंबई पहुंच के आता है, भले ही कितनी भी तेज रफ्तार वाली यहाँ की जिंदगी है, भले ही कितने उबड़ खाबड़ रस्ते हैं, भले ही कितने जो भी है, और भले ही मैं ये सब करके मैं उसको रोमांटिसाइज कर रहा हूँ, लेकिन जो भी है, लेकिन मुंबई दिल है। करेक्ट। और मुंबई अपना घर है, और मुंबई के साथ प्यार हमेशा ऐसे ही बरकरार रहेगा। सही बात है। और पब्लिक आएंगी ही जाएंगी, अपन मुंबई में ही रहेंगे भाई, मलाड में ही रहेंगे, और किधर नहीं जाएंगे। मेरे को आप एक और चीज बोल रहे थे कि कई बार क्या होता है, कैरेक्टर के साथ साथ वो शो या उस फिल्म का चलना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ। अगर जो चीज आप जिसमें भी काम कर रहे हैं अगर वो चलती है, तभी आप बाकी सब कुछ नोटिस होता है, तभी सबको फायदा होता है, वरना अप्रिसिएशन मिलता है बट वो बाकी और चीजों में रिफ्लेक्ट नहीं करता। और जब तक वो रिकग्निशन जो है। हाँ। वो तभी मिलता है जब जो पूरा जो ओवरऑल प्रोडक्ट है वो लोग पसंद करें, और उसे एक पॉपुलैरिटी मिले, उसे वो सक्सेसफुल हो, तब उसके साथ जुड़े हर लोग जो होते हैं। हाँ जी। उसके साथ जुड़े हुए सभी लोगों को मतलब फिर फायदा होता है। करेक्ट। कैसा लगा आपको ये जर्नी? मजा आया यार, जैसी करनी वैसी जर्नी। वाह वाह वाह, दिस वाज द बॉम्बे जर्नी। थैंक यू शारिफ भाई फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू, थैंक यू सो मच, मजा आया। थैंक यू सो मच। कोई एंड नोट पे अगर आपको कुछ चीज बोलनी है तो अभी दो कैमरे रोल हो रहे हैं उनमें बता दीजिए। अरे छंद पकैया, छंद पकैया, छंद के ऊपर मैदा, उस धरती को दगा ना देना जिस पे हुए तुम पैदा। क्या बात है। थैंक यू सो मच भाई, दिस इज सिद्धार्थ आलम भाई साइनिंग ऑफ।